Hello, this is the lecture number 5 for the chapter Polynomials of class 10th, and we are discussing the exercise 2.3, and in the last lecture we have done up to question number 3. Now I am doing one more question as question number 3. First of all, I have taken this my example myself, and then you will be able to have a good hand on the question number 3. Now I have taken this example. If two zeros of this polynomial as question number 3, इस पॉलिनोमल के अगर दो जीरोज ये हैं 2 प्लस माइनस रूट 3, यू हैव टू फाइंड द अदर जीरोज, यू हैव टू फाइंड द अदर जीरोज। ना दो जीरोज कैसे हैं ये 2 प्लस रूट 3 एक है और 2 माइनस रूट 3 एक है। ये देखो ध्यान से, जैसे मैंने उसमें लिखवाया था आपको, एक्स इजिकल टू रखो पहला वाला, एक्स इजिकल टू रखो दूसरा वाला, ये 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 कैसे रखते हैं फिर, ये लेफ्ट में आके माइनस हो जाता है, ये लेफ्ट में आके माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट में -2 प्लस रूट 3, ये लेफ्ट में आकर कितना हो जाएगा -2 प्लस रूट 3। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, ये सीट ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको अरेंज करो पहले, ठीक है, एक्स माइनस टू एक संग रखो, एक्स माइनस टू एक संग रखो, तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और -3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। तो इसके दो जीरोज ये हैं अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमल, तो आप इस डिविडेंट को इस डिवाइजर से डिवाइड करिए, यू डिवाइड दिस। अब क्योंकि पावर 4 है, दो जीरोस आपके दे रखे थे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग टू जीरोस, तो आप इस पॉलिनोमल को इससे डिवाइड करिए, ठीक है, एज यूजुअल। तो x की पावर 4 है यहाँ, एक्स स्क्वायर, तो कितने से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इससे करा x की पावर 4, इसको इससे करा -4x³, इसको इससे मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, कोई साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, -6 +4 -2 बचा, -26 -x -27 हो गया, +138 -35, कितना है यहाँ पर, -2x³ है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा इसको मैं, -2x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके, तो इसको -2x से करा -2x³ आ गया, इसको -2x से करा +8x² आ गया, इसको -2x से करा -2x आ गया, तो प्लस माइनस प्लस चेंज करते हैं, कैंसिल, ये प्लस है, ये प्लस है, ओ सॉरी, ये माइनस, दिस माइनस, सेम साइन ऐड हो गए, -35, ये प्लस प्लस का 140, -35, ठीक है। अब -35 एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, इसको -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -35, इसको इससे करेंगे +140, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -35। यू टेक योर ओन टाइम टू डू द मल्टीप्लिकेशन, आई एम सिंपली गिविंग यू द मेथड एंड एक्सप्लेनिंग सम पार्ट्स, रिमाइंडर जीरो ही आना है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, रिमाइंडर जीरो ही आना है क्योंकि ये इसका फैक्टर था। तो कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये आएगा दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब इसके फैक्टर्स करने हैं आपको, वो मल्टीप्लाई करने पर -35, सब्ट्रैक्ट करने पर 2, तो 7 5 तो -7 +5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर इनका क्या आएगा, -2। ये आप इसको प्रॉपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज कर लीजिए, यू नो हाउ टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसके रिमेनिंग जीरोस कितना आ गए, 7 और -5 दिस। तो आई हैव टेकन वन ऑफ द एग्जांपल रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3 एंड समवॉट इजी क्वेश्चन इज दिस। नाउ इट इज गिवन दैट व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, द रिमाइंडर इज दिस एंड यू हैव टू फाइंड बाय विच पॉलिनोमियल इज टू बी डिवाइडेड, बाय विच पॉलिनोमियल इट शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। सो हम क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये क्या हो गया, इसका डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर हमें दे रखा है, क्वेश्चन पता करना है आपको, ठीक है, बाय विच पॉलिनोमियल शुड बी डिवाइडेड, क्यू एक्स पता करना है। तो देखो ध्यान से, ये माइनस का है, इधर आकर के ये प्लस का 2x हो गया, इधर आकर के माइनस का 2x हो गया, ये एज इट इज रहा, ठीक है, ये एज इट इज रहा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, कोशेंट आपको पता करना है, रिमाइंडर आपको दे रखा है। तो मुझे क्यू एक्स पता करना है, तो सिंपल एलजेब्रा यूज करिए, टेक 2x टू द लेफ्ट हैंड साइड, प्लस x हो गया, ये माइनस का हो गया, ये एज इट इज रहा, इधर
कितना आ गया ये देखो, ये एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x हो गया, देखिए प्लस का 3x और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 ये आ गया। अब हमें मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो क्यू एक्स आ जाएगा आपके पास। अब सिंपल इसको इससे डिवाइड करना है और डिवाइड करना आपको आता है, तो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, जी एक्स होगा। तो सिंपली डिवाइड करिए, एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसको इससे करा एक्स क्यूब, इसको इससे करा माइनस का 2x², ये साइन चेंज करते हैं, माइनस ये माइनस है ये प्लस है, तो डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस का 2x, यहाँ पर x है, तो कितने से करना पड़ेगा इसको, माइनस x से करना पड़ेगा, तो माइनस से x से करा तो माइनस का 2x आ गया, इसको माइनस x से करा, देखो ध्यान से आई पुट पेन एंड पेंस, ये पेंसिल और मैंने अपनी उंगली लगा रखी है, माइनस का प्लस का कितना आ गया 2x, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल होना ही होना है, तो प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का x माइनस 2, तो x है यहाँ पर भी x, तो सिंपल सी बात है 1 से ही करना, ठीक है। यू कैन रिपीट दिस वीडियो मैनी टाइम्स टू हैव अ गुड कमांड ऑन ओवर इट। तो 1 से करा तो x माइनस 2, x माइनस 2 ये साइन चेंज, रिमाइंडर 0 आना ही आना है, क्योंकि जब कह रहा है इसका क्वेश्चन है डिवाइजर रिमाइंडर, सी बात है ये रिमाइंडर इसका 0 ही आएगा, तो ये जो आंसर आया किसके इक्वल होगा, जी एक्स के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जी एक्स, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जी एक्स ठीक है निकालना है और ये क्यू एक्स दे रखा है, ठीक है, जी एक्स निकालना है आपको, क्या निकालना है, जी एक्स, ठीक है, यू हैव टू फाइंड जी एक्स, किससे डिवाइड करें, जी एक्स पता लगाना है, क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू गिव एन एग्जांपल इन विच द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड क्यू एस आर सेम। तो मैंने कैसे पॉलिनोमियल ले लिया जिसमें वो तो होना ही चाहिए, डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये तो होना ही चाहिए सेटिस्फाई, और इन दिस द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स विल बी द सेम, क्यू एक्स यहाँ पर कोशेंट होता है, तो यहाँ पर कोशेंट और डिविडेंड का डिग्री सेम होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री मैंने एक्स स्क्वायर ले ली और जी एक्स मैंने 2, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इसका 0 ले लिया, तो ये हो रहा है क्या होता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये आना चाहिए आपके पास। ऐसे ही नेक्स्ट में आपको इस तरह से लेना है सीधा सेकंड पार्ट की जो डिग्री है किसकी, रिमाइंडर की और कोशेंट की सेम होनी चाहिए और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए। इन द सेकंड पार्ट द डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स शुड बी सेम एंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जी एक्स यहाँ पर आपका डिवाइजर है, क्यू एक्स यहाँ पर कोशेंट है, आर एक्स यहाँ पर रिमाइंडर है। ये आंसर वेरी भी ही कर सकता है, यू कैन टेक योर ओन एग्जाम्पल, ये आंसर वेरी भी कर सकते हैं इसका भी और इसका भी, लाइक दिस इन ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू टेक दोज एग्जाम्पल विच विल सेटिस्फाई दिस, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर प्लस, जैसे यहाँ पर डिविडेंट डिग्री ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स सेम है, ये दोनों सेम है, ऐसे इसमें डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स सेम है और डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका आंसर वेरी कर सकता है, थोड़ा सा सोचने में देर लगेगी आपको, अदरवाइज यू कैन डू इट। सो इन दिस द क्वेश्चन नंबर दिस 4 इज इंपॉर्टेंट, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ये हमने आपको अपनी तरफ से दिया है, सी इट वेरी केयरफुली, ठीक है। यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो मैनी टाइम्स टू हैव अ गुड लुक ऑन ओवर इट, इसको बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसको पहले से ही आपको इंपॉर्टेंट बताया था, एंड 1 एग्जाम्पल इन द एनसीईआरटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 3, एक एग्जाम्पल भी गिवन है, यू कैन डू दैट ऑल्सो इन योर एनसीईआरटी बुक।